हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्धागो टेक में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि फ्रेंड्स, आपको भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि आप मतलब आपके फ़ोन में जैसे कि जो भी सिम कार्ड है वो फ्रेंड्स लिख के नहीं आता, उसके जगह पर फ्रेंड्स इमरजेंसी कॉल लिख के आ रहा है। फ्रेंड्स, ये क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, मैं आपको इस बारे में जानकारी देने वाला हूँ। एंड फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, जो नेटवर्क हमारा जो हमारा सिम कार्ड है उसका नाम लिख के नहीं आ रहा फ्रेंड्स, और उसके जगह पे इमरजेंसी कॉल लिख के आ रहा है, तो फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको इस बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए एंड मेरी वीडियो से अगर आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे ठीक होगा, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ गया हूँ। एंड फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ इमरजेंसी कॉल लिख के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे फ्रेंड्स इमरजेंसी कॉल लिख के आ रहा है, किस कारण हो रहा है, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा एंड फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें इस बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इमरजेंसी कॉल लिख के आ रहा है, आप देखेंगे नीचे यहाँ पे, तो फ्रेंड्स ये क्यों आ रहा है एंड ये नेटवर्क कैसे प्रॉब्लम आ रहा है। फ्रेंड्स, आपको कोई भी कॉल करता है फ्रेंड्स, तो उसके फ़ोन को बताता है कि आपका जो ये नंबर है फ्रेंड्स, ये किसी और नंबर पे मतलब कुछ कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स, कोई भी आपके मोबाइल पे कॉल भी नहीं कर पाता इस कारण से। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फ्रेंड्स आप देखेंगे किसी को भी कॉल लगा के फ्रेंड्स, तो किसी को भी कॉल नहीं लगेगा, नहीं तो फ्रेंड्स कॉल आएगा। तो फ्रेंड्स, ये किस कारण हो रहा है, यहाँ पे इमरजेंसी कॉल क्यों लिख के आ रहा है, हमारे जब इसके अंदर सिम कार्ड इंसर्ट है फ्रेंड्स, तो हमारा सिम कार्ड का नाम क्यों नहीं लिख के आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जाना होगा अपने सेटिंग में, आपके मोबाइल में जहाँ कहीं भी सेटिंग का ऑप्शन हो फ्रेंड्स, आपको उसमें चले जाना है, ओपन कर लेना है अपनी सेटिंग। एंड फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आप यहाँ देखेंगे सर्च बार है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे ढूंढने में बना, अगर आपको फ्रेंड्स आपको ढूंढने में अगर आसानी हो तो आप अपने मोबाइल में अपना नेटवर्क ऑपरेटर ओपन कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर पहले सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क। फ्रेंड्स, ये सभी फ़ोन में ये ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ये आपको ओपन कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। एंड फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देखेंगे कि फ्रेंड्स आपका जो यहाँ प्रथम जो ऑप्शन है नेटवर्क मोड, आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मेरा 3G 2G एंड कनेक्ट, इसलिए फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप देख सकते हैं। एंड ये फ्रेंड्स प्रॉब्लम आ कैसे जाता है, मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड्स, जैसे कि आप कभी भी अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं या फिर अपना सिम कार्ड लगा के निकाल के लगाते हैं, तो फ्रेंड्स इस कारण ये प्रॉब्लम आ जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे LTE 3G, ठीक है, 2G ऑटो कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। एंड फ्रेंड्स, ये जैसे ही यहाँ पर होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो जहाँ पर इमरजेंसी कॉल लिख के आ रहा था फ्रेंड्स, आपके सामने लाइव यहाँ पर जियो 4G लिख के आ रहा है। फ्रेंड्स, ये मेरा जियो का सिम कार्ड है इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जियो 4G लिख के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से सीख मिली हो और आपने अगर अपना मोबाइल नेटवर्क सही कर लिया हो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसी लगी।